दिल्ली को नया पुलिस कमिश्नर मिल गया है। अर्धसैनिक बल आईटीबीपी के प्रमुख आईपीएस संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में इसकी सूचना दी गई। संजय अरोड़ा मौजूदा कमिश्नर राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। अरोड़ा को पिछले साल अगस्त में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का डीजी नियुक्त किया गया था। संजय अरोड़ा 1 अगस्त को दिल्ली कमिश्नर का पद संभालेंगे। संजय अरोड़ा को अर्धसैनिक बल में काम करने का लंबा अनुभव है। आईटीबीपी का चीफ रहने से पहले संजय अरोड़ा सीआरपीएफ में स्पेशल डीजी रह चुके हैं। ये देश के उन चुनिंदा आईपीएस में से एक है जो किसी अर्धसैनिक बल में डेप्यूटेशन पर कमांडेंट की पोस्ट पर आए थे। अरोड़ा 1997 से साल 2002 तक कमांडेंट के रूप में डेप्यूटेशन पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सेवा दे रहे थे। संजय अरोड़ा 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मालती में आईटीबीपी की बटालियन की कमान भी संभाल चुके हैं। इन्होंने एक ट्रेनर के रूप में भी आईटीबीपी में उल्लेखनीय योगदान दिया। साल 2000 से 2002 तक आईटीबीपी एकेडमी मसूरी उत्तराखंड में कमांडेंट के तौर पर वे सेवारत रह चुके हैं। संजय अरोड़ा को आईटीबीपी में चीन मामलों का जानकार माना जाता है। इन्होंने 2002 से 2004 तक पुलिस कमिश्नर कोयम्बटूर शहर के रूप में कार्य किया है। इन्होंने पुलिस उप महानिदेशक विल्लुपुरम रेंज और सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी उप निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।